हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। मुझे 2-3 दिन एग्जाम के पहले 28 को मेरी एग्जाम थी कोल्हापुर सेंटर में, तो उस NSCIT ने मुझे फोन किया अराउंड 24th आई थिंक, यस मुझे फ्राइडे को फोन किया, फ्राइडे फ्राइडे का क्या था, एक सेकंड ना, मैं फ्राइडे किया था, हाँ फ्राइडे किया था, आपको भी किया था, यस यस 24th को दोपहर फोन किया था, और ये भास्कर नाम का कोई बंदा था, तो भास्कर ने बोला कि मैं NSCIT से बोल रहा हूँ, बोलिए, तो मुझे लगा कि कोई फेक कॉल है पहले 2-3 सेकंड, तो वो बोला कि देखो आपका एग्जाम है ना, हम कौन सा एग्जाम है, बोले NISM का एग्जाम, तो उन्होंने बोला कि NISM का आपका एग्जाम है, हाँ ठीक है बोलो आप, तो आप श्रीरंग किर्लोस्कर है, हाँ हाँ मैं श्रीरंग किर्लोस्कर हूँ, तो उन्होंने बोला तो हम कुछ सेंटर का रीशेड्यूलिंग कर रहे हैं एक्सक्यूज मी रीशेड्यूलिंग कर रहे हैं एग्जाम, तो ड्यू टू सम अर्जेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी, तो दैट इज अर्जेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी जो बोला उन्होंने, मैं बोला क्या एक्टिविटी है, आप एग्जाम है और आप ऐसा इमीजिएटली फोन पे क्यों कह रहे हैं, ये आप बेटर यू ऑफिशियल मेल भेजिए, तो वो बोला कि हम मेल अभी भेजेंगे, पहला बोला कि मेल नहीं भेज सकते, मैं बोला क्यों, ऑफिशियल मेल भेजना चाहिए, आप हमसे मंगाते हैं सब लिख के लेते हैं, आप एग्जाम के सेंटर पे पहले इतने बजे आओ, ये करो वो करो सब आप मंगाते, तो बोला मैं भेजूंगा मेल लेकिन आपसे कंफर्मेशन चाहिए, मैंने क्या कंफर्मेशन की, रीशेड्यूलिंग के लिए, तो कौन सा रीशेड्यूलिंग, वो बोला कि मैं आपको कोल्हापुर में ही 26 को दे सकता हूँ, मैं उनको वो संडे को दिया आपको, हाँ, हाँ। संडे ही बताया था एक ही, तो मैंने संडे ना बोल दिया, मैं बोला मंडे को करना है मुझे, यस हितेश जी मुझे, मैं बोला कि मैं संडे नहीं लूंगा, एक तो दो दिन पर आज आज आप फोन कर रहे हैं, परसों एग्जाम है, इट विल नॉट बी हैपन फॉर मेरा, ये ऑलरेडी आई एम ऑक्यूपाइड ऑन संडे एंड ऑल दैट, तो बोला तो एक काम कर लो आप रिफंड ले लो, कैंसिल हो जाएगा एग्जाम, मैं बोला ऐसा क्यों, नहीं तो नहीं तो 4th अक्टूबर के बाद ले लो, मैं बोला कि व्हाई शुड दिस अगेन, मैंने पूछा, तो बोला हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ये ऑर्डर से बोला हमें ये रीशेड्यूलिंग किया है और करना पड़ेगा, मैं बोला आपके सुपीरियर के पास फोन दो, तो वो बोला मैं ही सुपीरियर हूँ, तो उसके बाद उन्होंने नहीं दिया फोन, तो मैं जान लिया हम कुछ नहीं कर सकते, और गौतम दा ने जैसे बोला था कमांडो, तो मैंने सोचा कि हमें क्या दिक्कत है, कौन सा भी एग्जाम सेंटर दे दो, कौन सा भी कर दो, क्या कर दो, हमें जाके एग्जाम देनी है सिर्फ, ये मैंने ये पहले आधा मिनट ये बात हो चली हमारी, ये जो मैंने अभी बोली थी वो आधा मिनट अराउंड 30-40 सेकंड, तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर दिया कि कौन सा भी सेंटर उन्होंने ले लेने का और रीशेड्यूल करने का, लेकिन नॉट बिफोर 27, तो उनसे मैंने बोला कि आप फ्यू सेकंड्स रुक सकते हो क्या, तो हाँ मैं लॉगिन करता हूँ और कौन सा सेंटर मुझे चाहिए देखता हूँ, तो मैंने लॉगिन किया इमिडिएटली, लकीली आई वाज नियर बाय कंप्यूटर, और मैंने लॉगिन करके देखा और कौन सा भी सेंटर नहीं था मेरे नजदीक, कोल्हापुर के नजदीक हमारे नजदीक सतारा है 120 किलोमीटर, पुणे है 240 किलोमीटर, फिर नासिक कौन सी भी सीट अवेलेबल नहीं थी, पणजी देखा, बेलगाम देखा, मैं सब सेंटर उनको बोला, तो वो बोला तो रुक, तो फिर कब अवेलेबल है, वो बोला कि 28 को अवेलेबल, तो इमीडिएटली बोला दे दो 28 को, तो कितने बजे, वो बोला कि सेम 1:30, 3:30, तो रिशेड्यूल कर दो, मैं बोला, तो वो बोला मैं रिशेड्यूलिंग करूं, ये आपका ये कंसेंट है, मैं बोला हाँ कंसेंट है, लेकिन आपको ऑफिशियली मेल भेजो, आई रिक्वेस्ट यू, तो वो सब कॉन्वर्सेशन मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, बाद में कभी सुनाऊंगा, तो वो फिर से मैंने मुझे एकदम गौतम दा की फिर से याद आ गई, मैं उनको अगर मैं ये सब भाग दौड़ में स्ट्रेस बढ़ गया मेरा, कुछ बेलगांव जाके कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो
उनसे बोला मैं एक काम कर लो, मुझे और एक डेट आप दे दो, और एक डेट दे दो। तो वो बोला कौन सी डेट? तो मैं बोला आपको पता है ना कि द सिलेबस इज चेंजिंग फ्रॉम 30। तो बोला नहीं। तो मैं बोला सिलेबस इज चेंजिंग फ्रॉम 30, इसीलिए मैं आपको इमीडिएट डेट मांग रहा हूँ। अगर मैं डिस्क्वालीफाई 28 को हो गया तो बेटर आई विल रिपीट इट ऑन द नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे में कौन सा भी सेंटर दे दो मुझे। तो वो बोला, मैं बोला पंजी है तो पंजी भी दे दो, क्योंकि बेलगांव से पंजी आगे अराउंड 120 किलोमीटर है। तो वो बोला पंजी नहीं है। तो रुको, फिर से एक मिनट रुकवाया। तो वो बोला बेलगांव ही है नेक्स्ट डे। तो 3:30 to 5:30 का बेलगांव सेंटर था, तो वो भी मैंने बुक करवा दिया थर्ड। तो ऐसा करके बाद में फिर से ऑन द एग्जाम प्रिपरेशंस 2 दिन पूरा बैठ के पूरा जैसा गमता होता बता रहे थे, 3 दिन बता रहे थे, मैंने 2 दिन किया पूरा दिमाग से बाकी सब हटाया और 2 दिन प्रिपेयर किया पूरा जितना हो सका, पूरा जितना बोला था मैम ने और गौतम दा ने उतना प्रिपरेशन नहीं हो पाई, लेकिन मैं आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ये प्रिपरेशन पूरी होगी शायद। तो ऐसा करके न्यूट्रल माइंड से, जैसे मैंने लिखा था न्यूट्रल माइंड से, मैं 28 को सुबह उठ के ड्राइव करके बेलगांव चला गया। और बेलगांव थोड़ा बहुत सांगली से अराउंड 170 किलोमीटर है वो। तो सुबह 8 बजे निकल के 10:30 बजे तक बेलगांव पहुंचा मैं वो सेंटर पे। सेंटर जाके देखा और बाहर गाड़ी में मैं बैठ गया, फिर से दो घंटा प्रिपरेशन की। तो बीच में और एक प्रॉब्लम आ गया, द ड्यू टू स्टेट चेंज RT-PCR मांगा। तो मेरी तबीयत पहले 2-3 हफ्ते खराब थी। उस टाइम डॉक्टर ने मुझे 2 बार एंटीजन के लिए बोला था, 2 बार एंटीजन मेरे पास, मैंने आई वॉज कैरिंग दैट रिपोर्ट। तो फिर भी वो कर्नाटक के पुलिस बंदे ने कहा कि अरे ये 15-20 दिन पहले का है आपका एंटीजन। तो उन्होंने बोला कहाँ जाना है, मैं बोला गोवा जाना है। तो बेलगांव से रास्ता गोवा जाता है, तो इसीलिए मैंने वो बोला कि उन्हें लगना नहीं चाहिए कि आई एम गोइंग टू कर्नाटका, तो आई एम पासिंग थ्रू कर्नाटका, ऐसा लगने के लिए मैं गोवा बोला। तो फ्यू सेकंड वो देख के रहा मेरे पास, मैं बोला उनके मेरे पास दोनों वैक्सीन की रिपोर्ट भी है, दिखाऊं क्या? तो बोला ठीक है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इट इज बेस्ट विशेष के साथ थी मैं। तो अगर उस इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ने मैंने ऐसा सोच लिया था, अगर उन्होंने वापस भेजा तो वहां से फिर अराउंड दैट चेक पोस्ट इज अराउंड 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम सांगली। तो कोल्हापुर से अराउंड 40-45 किलोमीटर। तो फिर से वापस सांगली आके RT-PCR करके फिर से निकलने का ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन वो नहीं। उन्होंने थ्रू कर दिया, मुझे छोड़ दिया वहां से चेक पोस्ट से। बाद में गया बेलगांव और वहां भी कैसा था, जब एग्जाम सेंटर में देखा मैंने सब ठीक था, और जब ने वो कंप्यूटर वो अलर्ट किया, वो कंप्यूटर का स्क्रीन खराब था, एक बीच में व्हाइट लाइन दिख रही थी। तो एग्जाम चालू होने के बाद वो दिखने लगी। तो मैंने वो असिस्टेंट को कहा ये अरे बाबा ऐसा है यहाँ पे। वो बोला मैं बोला बंद करके फिर से चालू करो। वो बोला नहीं हो सकता असिस्टेंट, मैं आपको स्क्रीन चेंज करके दे दूंगा। उसमें मेरी 10 मिनट गए स्क्रीन चेंज करने। एनी हाउ यू हैव क्लियर द एग्जाम, दैट इज द मेन एसेंस। कहां से कैसे तुमने रन निकाले वो मतलब नहीं है, गली में बच गए, इधर बच गए, बट वर्ल्ड क्लास पास हो गए। नहीं, हितेश जी आपको ये समझना पड़ेगा,
वहीं पे जो बाकी जो मुंबई वाला जो पांच आदमी वो लोग का पास भी ये ऑप्शन था और लेकिन हाँ, वो ऑप्शन नहीं लिया वो लोग समझ पे आया कि एनआईएसएम एएमसी वाला है, हम जो बोलेंगे सुन लेंगे। राइट 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 राइट, ठीक है ना। तो वो लोग किर्लोस्कर जी को जो वो लोग बताया उन लोग को भी ऑप्शन दिया लेकिन वो लोग वो ऑप्शन नहीं लिया, नंबर वन। नंबर टू है, हम जब उनका सब कुछ सुन के एनआईएसएम को जो जीएम का साथ बातचीत किया है तो हम जीएम को एक ही उनके प्रे किया है कि सर आपको तो जानकारी है जो अगला महीना इसका ये डेट नहीं मिलेगा तो नया सिलेबस देना पड़ेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, तो आप इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल दीजिए, ये लोग जैसे भी हो एग्जाम दे पाए। तो वो मेरे को बोला कि ठीक है हम कोशिश करते हैं। तो उसके बाद भी वो जो आज जो हमारा ये शाम को जो भविष्य जो प्रोग्राम किया है तो ये उसी टाइम में वो लोग बोल रहे उनको कि एग्जाम देने के लिए उसका अलाउ कर दिया, तो लेकिन वो घर में बैठ के एग्जाम दिया और घर में बैठ के एग्जाम दिया मोबाइल खोल के दिया तो इसलिए उसका एग्जाम कैंसिल हो गया। हाँ, वो एक का ही हुआ। मेरी डॉक्टर ने भी मुझे बताया था कि आप उनसे ये क्वेश्चन करके ये मांग सकते हो क्या, मैं बोला मुझे पता नहीं कैसे देने का। इसी टाइम जब हम जब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो वो लोग का तो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए जो एनएसएम से ऐसा बोल रहा है हम क्या करें। तो ये लोग क्या है ना, ये लोग आपको जो हम क्या बोला ये जो ट्रेनिंग है ये ट्रेनिंग में इंटेलिजेंट लोग का कोई जगह नहीं है, बराबर इंटेलिजेंट लोग फेल हो जाता है इसमें, इंटेलिजेंट लोग का कोई वैल्यू नहीं है इसमें, क्यों उनका इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा, बराबर कमांडर का ही सुनना चाहिए। हाँ, वो जो बात वो मानने से जो जो आज जो पास किया है आप बोलिए, हम लोग जब ट्रेनिंग चालू हुआ उस दिन से जो जो इसका ऑब्लिगेशंस है सब कुछ बोला है जो, और वो सब कुछ भी हो गया, सबका साथ हुआ इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। यस सर, डाटा में बहुत प्रॉब्लम हो गया। हाँ, मैं इसका हम आप लोग का सबको ये एक दिखाने के लिए एग्जाम देने के लिए ऐसा एक सोच किया कि जे कैसे रिजल्ट होना चाहिए कैसे एग्जाम होना चाहिए, तो ऊपर वाला ने हमको उसका टाइट दे दिया मेरे को, क्योंकि मेरा वो सेंटर में पहुंचने में इतना रोड जाम था। ये सुबीर यहीं पे कलकत्ता जो बांधा है उसका जानकारी है, मेरे को टाटा सेंटर में उतर के वहीं से दौड़ करके हमको वो 1 किलोमीटर दौड़ लगाना पड़ा, सेंटर में गया 4:30 बजे हम सेंटर में पहुंचा, 4 बजे मेरा एग्जाम है, उसके बाद 10 मिनट मेरा लग गया उसका स्टेबल होने में, उसके बाद में मेरा भी वो स्क्रीन आउट हो गया, जो जो बोला है वो मेरा भी हो गया। तो ये क्या है, उस टाइम हम सोचा अरे माय गुडनेस मेरा एग्जाम क्लियर होगा, तो कि मेरा पास 1 घंटा टाइम है, 1 आवर टाइम है, तो पूरा तो जो प्रिपरेशन था जो 80-90% मार्क्स करने के लिए तो वो तो चौपट हो गया। मेरा जो सोच है दिमाग, देखिए बीइंग ह्यूमन आपका तो इसका कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो टेंशन जो कुछ होता है स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस इतना स्ट्रेस होता है जो बहुत स्ट्रेस होता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम वही दे पाएंगे जो दिया है वही उसके पता है, तो इसलिए मैं हम ये बोल सकते हैं मेरा जगह पे दूसरा कोई बंदा आता था तो उस एग्जाम क्लियर नहीं करता, ये हम गारंटी दे सकते हैं। यस यस अंडरस्टैंड। उनका मेंटल स्ट्रेंथ इतना नहीं रहेगा और उनका जानकारी भी है, क्योंकि मेरा तो सब कुछ जानकारी है ये होने वाला है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये इसका ये भी मेरा कभी फेस करना पड़ा, ऐसा नहीं है मैं भी नहीं फेस करूंगा, किसका फेस करना पड़ेगा किसी का पता नहीं। जो बोला है सबसे बड़ा ऑल अगेंस्ट में गया है, अभी नेचर इतना है, इतना बारिश हो रहा है बोलकर नहीं पाया, उसके बाद भी जो टेक्निकल ब्रिज है साइट इतना स्लो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन जाने में 30 सेकंड लग रहे हैं, जो माय गॉड तो कैसे आपका इधर उधर करेंगे।
मेरा देखिए मेरा स्कोर में 9 का 9 क्वेश्चन का नेगेटिव है, क्यों जानते हैं कि हम रिव्यू नहीं कर पाया और दोबारा हम देखने का कोई मौका नहीं था मेरा पास। हम 100% सही करके गया है लेकिन रिव्यू तो करना चाहिए। मेरा जो रिजल्ट आया विदाउट रिव्यू में वो तो मैं फेल होने का चांस 90% था, क्यों रिव्यू नहीं कर पाया मैंने, तो ये भी एक और दूसरा लेसन बन गया। और गौतम दा ऐसा स्ट्रेस आ गया, वी लूज द कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली, तो मेरा वैसा ही उस टाइम स्क्रीन के बाद मैंने देखा तो 149 हो गए थे, 2 घंटे से 11 मिनट गए थे, तो उसके बाद अराउंड 30 मिनट्स मेरा कॉन्फिडेंस ही गया था क्या करूं, तो मैं फिर से न्यूट्रल हो गया माइंड में, तो शांति से सोचा और सरबानी मैम ने जैसा बोला था एक एक क्वेश्चन करके आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, कुछ सोचा नहीं, आगे जाता रहा। तो आफ्टर 30 मिनट्स अराउंड देखा कितना बजा है, तो देखा उस टाइम अराउंड 1 आवर 10 मिनट्स बचे हुए थे, तो हाँ खुश हो गया कि 30 मिनट्स हो गए, कुछ तो अचीव किया है हमने और वो आंसर्स देके कॉन्फिडेंस आ गया। तो इस टाइम पेपर भी ट्विस्टेड था बहुत, पहले दो आपका ओपनिंग क्वेश्चन क्या था, ओपनिंग में क्या था, मैं एकदम जस्ट ओपनिंग का क्वेश्चन क्या था, नहीं याद आ रहा है सर, याद नहीं। आप मेरा आया मेरा 7.1 आया मेरा पहला क्वेश्चन, ओह कॉल मुझे भी 7.1 क्वेश्चन पेपर में 7.1 ही पास किया और मेरे इसमें मेरा 7.1 में भी 7.1 मेरा नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन था, मेरे को मैंने पूरा याद है। सेकंड वाला क्वेश्चन वो एनआरआई वाला क्वेश्चन था, एनआरआई क्वेश्चन में जो सेग्रीगेशन वाला क्वेश्चन था, मैंने आप हस्बैंड भी है, हस्बैंड एमएफडी है ऐसा कुछ है उसका एक क्वेश्चन है, और थर्ड वाला क्वेश्चन वो माइनर टू मेजर वाला क्वेश्चन है, उस फादर इज स्टेइंग इन यूएसए, उसका डॉटर का एज अभी 18 इयर्स हो गया, so what are the changes which will be effective in his demat account, in his mutual funds, bank accounts, etc. There were questions like that, and I got the question on weighted portfolio return wala question, that Syed question, that was calculation of Syed savings ratio, yeah. Where everyone was getting confused that question was there. So these were the question, and wo jo pehla wala ekdam question number 1 वो करके छोड़ दिया, बाकी 3 मैथ नहीं किया है। जितना स्ट्रेटजी बताया उतना स्ट्रेटजी हम लोग को इम्प्लीमेंट करना पड़ा वहीं पे। क्वेश्चन करके जो सेकंड क्वेश्चन आया है वो सही नहीं है, उसका स्किप करके जाना, क्योंकि हम तो ये समझ पाया था कि हमको रिव्यू नहीं करने का टाइम नहीं मिलेगा, वो जो सही सोचा है वही हुआ है, रिव्यू करने का टाइम नहीं मिला, तो यही पे बहुत सारा मैथ में जो एक एक मैथ हमको छोड़ना पड़ा, एक मैथ छोड़ना पड़ा जिसमें कैसलेट में जो 4 क्वेश्चन है उसमें 2 छोड़ना पड़ा, 1 छोड़ना पड़ा, ऐड करके वो जो कंफर्म है वो करके किया है, तो उसके बाद अलो भी वो 9 क्वेश्चन मेरा ख्याल से कैसलेट से गया है, जो वो लोग का जो आंसर मांगा है वो नहीं हो पाया एनीवे, लेकिन ये एक्सपीरियंस हम तो इतना कुछ बोला है वो एक्सपीरियंस फिर दोबारा आउट एक्स्ट्रा कुछ मिल गया एक्सपीरियंस जो अगला दिन में सबके लिए काम में आएगा। लेकिन हम लोग जब शुरू किया था ये ट्रेनिंग का जो जो बोला है, देखिए हम लोग सब मिलके सबका साथ सब कुछ होगी, सबका साथ सब कुछ, सबका साथ सब कुछ कुछ हो, यस दैट इज द फैक्ट।
चाकदा से कलकत्ता आ रहा है, इतना क्लाउड बस्ट हो गया, इतना बारिश हुआ, वो अभी सेंटर में आधा घंटा बाद पहुंच पाया। ओ गॉड, सुबह 7 बजे निकला है और 12:30 बजे पहुंचा। तो ऐसा जो जो बोला है प्रैक्टिकली, मैंने तो मैडम का ये वर्ड यूज रखा था यार। हाँ, ये मैडम का परफेक्ट वर्ड था ये। डोंट स्टे, प्लीज रीड इट। डोंट स्टे कम। गौतम दा, करबो लर्बो। गौतम दा, আমার দ্বিতীয় দিনও একই সমস্যা হয়েছিল। আও সেকেন্ড ডে। তো হ্যাঁ, দ্বিতীয় দিনে চার দুটো পরীক্ষায় চারবার মেশিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, দুবার স্ক্রিন সাদা হয়ে গিয়েছিল। उनका बात समझ पाया। ये एक एक दूसरा डेट में दोनों एक एक साथ दिया, 10A 10B, तो उसमें टाइम आधा टाइम चला गया वो मशीन का टेक्नोलॉजी सेटिंग करने में। अच्छा गौतम दा, जस्ट आई जस्ट वांटेड टू इंटरवीन ओवर हियर, सो एवरी मोस्ट ऑफ देम हैव जॉइंड, दोज हु एक्चुअली वांटेड टू जॉइन हैव जॉइंड, सो कैन वी स्टार्ट व्हाट वी हैव थॉट ऑफ। ये एग्जाम ऐसी है कि द सेम वॉट एवर एकेडमिक्स इज टोटली रिफ्लेक्टेड इन अवर प्रैक्टिस, टोटली रिफ्लेक्टेड। इट इज रियली सुपर्ब एग्जाम। और ऐसा मुझे लगता है कि हमने द पास किया है तो वी हैव टू रीस्टडी इट फॉर आवर बेटरमेंट। मैं मुझे लग रहा है कि आई हैव टू रीस्टडी इट फॉर माय बेटरमेंट, कमांड आने के लिए, टू बी अ कमांड ऑन सब्जेक्ट, कमांड ऑन द सब्जेक्ट। आई हैव टू रीरीड इट अगेन, रीथिंक इट और एक्सपर्टाइज उसमें आना चाहिए। एक्चुअली इन ए शॉर्ट वर्ड आई कैन से द एग्जाम इज ए टूल ऑफ सेल्फ असेसमेंट। इफ यू आर नॉट सीट, यू आर नॉट सीट इन द एग्जाम, यू कैनॉट एसेस योरसेल्फ। यू कैन एसेस एवरीबॉडी बट यू कैनॉट एसेस योरसेल्फ। इफ यू वॉन्ट टू एसेस योरसेल्फ, यू मस्ट डू एग्जाम and you must attend the exam, otherwise you can't assess. Because I think I know everything, but when I attempt the exam, I understand what I need, know. That's why everybody should, ye trainer ho, faculty ho, jo ho, sab ka liye updation chahiye, exam chahiye. Nahi to unka अंदर में एक्चुअल नहीं होगा, प्यूरिफाइड नहीं होगा। जो नाइट्रिफिकेशन होता है ना, जो ये गोल्ड को जो पक्का करने के लिए जो नाइट्रिक एसिड दे के बाद उसका अच्छा होता है, तो वो जलना पड़ेगा नाइट्रिफिकेशन। यस यस, पर वो फर्नेस से जाना ही पड़ेगा उस। हाँ बस सही है, तो उसमें से इम्प्यूरिटी निकलती है हमारे से। एग्जैक्टली, इम्प्यूरिटीज बाहर निकलती है फर्नेस से जाने के बाद। Exactly, हाँ। ये अग्नि परीक्षा बोलते हैं ना। हाँ, अग्नि परीक्षा है ये। अग्नि परीक्षा ये अग्नि परीक्षा है फॉर सेल्फ असेसमेंट। आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है, सेल्फ असेसमेंट। अदरवाइज देखिए, हमको कोई जरूरत नहीं था एग्जाम देने के लिए। यस, लेकिन हम क्यों दिया है, आप लोग के कमांडो बोल रहे हम। मैंने इसके पहले दिन बताया था, मैंने ये आर्मी का साथ ट्रेनिंग किया, एक महीना का कमांडो ट्रेनिंग किया है प्रैक्टिकली। तो देखा है जो कमांडर होता है उनका खुद सब कुछ काम आएगा तब वो कमांडर बनता है, नहीं तो कमांडर नहीं बनता है।
हम आप लोग का बोल रहा है ये ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, हमने ही खुद किया, तो आप लोग का वो बोलेगा, वो तो मुंह में तो बहुत कुछ बोल सकता है, आप खुद करके दिखाइए। करेक्ट, ठीक है ना मैडम। तो देखिए मैडम एक्चुअली बाई प्रोफेशन फैकल्टी, बट आई एम नॉट ए बाई प्रोफेशन फैकल्टी। यस, सो वी तो ये जो अग्नि परीक्षा जो है जो वो मेरे को देना है, मैडम को नहीं देना है, क्यों? मैडम बाय प्रोफेशन फैकल्टी है। हम तो आप लोग को बहुत कुछ बोला है ना, स्टिल बट स्टिल एवरीबॉडी शुड अंडर एवरीबॉडी शुड हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सो यू दैट यू नीड वन नीड टू हु माने एज अ ट्रेनर आई वुड से कि दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी टू टेस्ट माय सेल्फ आल्सो। I just remember one thing when I stepped into this industry and my first batch actually had passed out an examination. It was a simple examination of passing of IC-33. It was an IID exam. So the first time when they had gone through the examination, so it was not a rule that the trainer should go for the examination. So at that time, I had actually given a proposal to my boss. So I told her that all the trainers should go for an examination. It is not necessary that we have to have a license, just to have an understanding of the examination, understanding of a knowledge, we should undergo for the examination. And she actually approved from then. It was an approval from IID also. All the trainers used to go for an IID exam. I mean, you will not get your license. It will be taken by the company when you work. But you have to go for the examination, and it has become mandatory now. All are going for the examinations. If you want to train, whatever training you give, you need to undergo yourself. You have to have that certification. Then only you can become a faculty or a trainer on that. It is very good, because unless and until you go through this, you will not. If you do not walk upon the fire, how can you teach? How can help others to pass out the examination? It's not an easy task. Yes, yes, and that year was 2002. 2002. Yes. Yes, and that is Tata Center. You people all know that the in insurance industry, this is first time in Tata. Who have the actual advisory training, the Tata training quality number one in the country. Yes. That time. In their corporate world, you might heard or you might know ki Tata in their corporate world, they are having a management center first time in India before IIMs. In the Pune, yes, yes, they have a TMC, Tata Management Center. Yes, yes, it is a like IIM center. Before I... yes. One of my friends opportunity to got trained there, so I know it. Tata is yes, training structures organization. अभी विपिन जी आया है अभी, तो ठीक है वो भी एक आई जस्ट कॉल्ड विपिन जी ग्रुप में मैसेज दिया था ही वांटेड टू नो द सिलेबस ऑफ 10A एंड 10B द न्यू सिलेबस सो आई टोल्ड हिम टू जॉइन वी आर देयर इन द ग्रुप सो एक्चुअली इट इज अ ग्रेट मोमेंट टू बी विद ऑल ऑफ यू एक्चुअली सो गौतम कैन वी स्टार्ट विद यस ऑलरेडी लेट please Gautam da ami arekta kotha bolchi